पहले नंबर की कुश्ती दर्शकों, ये भाई आज के दंगल की पहले नंबर की कुश्ती है जिसका इनाम बुलेट मोटरसाइकिल है। अब नाम सुन लो, ये अजय पहलवान लाखू गांव है, लाखूवासी। अजय पहलवान लाखूवास, हाँ जी, सोना अखाड़ा में अभ्यास करते हैं। इंदर अखाड़ा सोना में अभ्यास करते हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं, हिंदुस्तान के मट्टी के दंगला में तहलका मचा रखा है। बड़ी टॉप के टॉप है मट्टी के दंगला की। बहुत अच्छे पहलवान है अजय पहलवान, अजय गुज्जर से जाने जाते हैं पहलवानों में। दूसरी तरफ आपके साथ लगते कासनी गांव से परवीन उर्फ बोला, जिसको लाड से बोला कहते हो, परवीन नाम है पहलवान का। और कैप्टन चांद्रो पखाड़ा दिल्ली में अभ्यास करते हैं। भगत सिंह एकेडमी रोहतक में पहलवान आजकल रहते हैं। रिक्वेस्ट है कि एक बार 10 मिनट के लिए बैठकर कुश्ती का आनंद ले भाई। कई बार के अंतरराष्ट्रीय पहलवान हैं और इन पे चमचमाता हुआ मेडल पूरे हिंदुस्तान के अंदर 92 किलो में अपने वजन का सितार रहा है। गोल्ड मेडल जीत के लिए अपने इस इलाके के लिए, इस प्रदेश के लिए बड़ी खुशी की बात है। ये एक बार ताड़िया बजा दे सारे बैठ के आराम से कुश्ती देख ले। और अखाड़ा संचालक भाई एक बार बैठ जाओ भाई, जनता से रिक्वेस्ट है भाई एक बार बैठ जाओ भाई नीचे भाई साहब। एक प्लीज टाइम कुश्ती का 15 मिनट, लास्ट कुश्ती बच रही है, सभी को आनंद लेने दो भाई कुश्ती का। घड़ी देख लो भाई, 15 मिनट कुश्ती का टाइम है। जब तक आपने चांदना रहोगा ना, जब तक कुश्ती चल रही 15 देख ले एक बार। दर्शकों, हमारे अखाड़ा संचालक कोच साहब संजय कोच बांडोला जी, जो मोटा कोच अखाड़ा लाड़पुर में कुश्ती है अभ्यास कराते हैं, उनका स्वागत किया गया। पवन शास्त्री जी और जस्सा पट्टी जी, यहाँ सभी अखाड़ा संचालकों का मस्तू पहलवान जी स्वागत कर रहे हैं भाई। एक बार ये जनता प्लीज बैठ जाओ। बोली पहलवान घुटन, समय कितना दिया जी नानक पाल जी? जोगिंदर जी बड़ा बोली, 15 मिनट है कोच साहब, 15 मिनट का समय है। दर्शकों, एक बार ताड़िया मारो जोरदार दोनों पहलवानों के लिए। देख लिया, बहुत ही ऐतिहासिक मुकाबला है ये। और अखाड़ा संचालक बोली पहलवान मंच के सामने आ जाए भाई, बुला रहे हैं भाई, जो दोनों पैरों में निकब डाले हुए अजय पहलवान और दूसरी तरफ लाल जांगिया में नीलू अखाड़ा लाडपुर की गाड़ी जाने के लिए तैयार खड़ी है भाई जी। वो पहलवान है, वो वापूच है भाई गाड़ी के पास। हमारे अखाड़ा कोची साहिबान सतीश जी आए, एक बार आपका भी सम्मान साथ साथ हो जाएगा। सतपाल जी त्रिपड़ी आ जाए, तेरी कुश्ती अड़ाए देखेंगे, अड़ा आ जाए। बहुत ही अच्छा पहलवान तैयार किया सतपाल जी ने, अंकित पहलवान। और उसके साथ साथ सभी अखाड़ा संचालकों का भी यहाँ पगड़ी और पैसे देकर सम्मानित कर रहे हैं मस्तु पहलवान जी, परवीन जी। और दर्शकों, आज का ऐतिहासिक दंगल आपने जो बहुत बड़ा सहयोग किया, मैं ये कहूंगा इतनी शांति से इस प्रकार के आयोजन पंजाब में होते हैं, जो दर्शक बड़ी शांति से बैठ जाते हैं, तो उसके साथ साथ आयोजक जो हमारे मस्तू पहलवान ने सभी पहलवानों को, मैं ये कहूंगा बड़े ही दावे के साथ कहूंगा इस बात के लिए, क्योंकि हम भी दंगलों में रहते हैं, व्यवस्था के कारण कई बार दंगल खराब हो जाते हैं, लेकिन कराने वाले की अगर नीयत अच्छी हो तो इस प्रकार के सफल आयोजन होते हैं। और आज ये सबसे सफल आयोजन कहा जाएगा। इसमें देश के जो उभरते हुए नामी पहलवान इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, और दूसरा मस्तू पहलवान ने जो पहले दंगल में थोड़ी बहुत गलती हो गई, लेकिन अब की बार बड़ी अच्छी टीम बनाई है। हमारे सज्जन कोच जी मंदोला से, जो कि दादरी से, और हमारे नानक पाल जी अंतर्राष्ट्रीय कोच हैं नारनौल से, और हमारे जोगिंद्र पहलवान जी जो कलानौर से, और हमारे सतीश सासरौली जी, और सभी अरुण दुबे जी जो लगातार एक हमारा कुश्ती का बहुत बड़ा नाम है अरुण दुबे जी,
ऑल इंडिया रिपोर्टर हैं। और सोनू को शास्त्रीय अखाड़ा में जो कुश्ती अभ्यास कराता है युधिष्ठिर पहलवान खूटन, उनका सम्मान करेंगे। वो एक बार आए भाई सोनू जी, और राकेश जी हमारा मारवाड़ी थे, उनका भी जो कि सतपाल पहलवान जी जो हरियाणा सरपंच एसोसिएशन के प्रधान हैं, उनके भाई हैं। और हम सभी साथियों का निवेदन करते हैं, जो आज की व्यवस्था आपने देखी सबसे ऐतिहासिक क्षण है ये कुश्ती के लिए। ब्रजेश पहलवान स्टेज पर आए, ब्रजेश अंतर्राष्ट्रीय ब्रजेश पहलवान कुटन। और साथियों बूट मोटरसाइकिल दिखा है आपका बेटा दुनिया विदेश में है, आपकी दंगल की शोभा जरूर बढ़ाता है, लेकिन उसके परम पूजने पिताजी लगातार दोपहर से और उनके भाई इस दंगल के आयोजन में बहुत बड़ा सहयोग है, क्योंकि जो एकेडमी का यह संचालन कर रहे हैं मस्तू पहलवान अंतर्राष्ट्रीय भारत रत्न पद्मश्री अर्जुन अवार्डी बजरंग पुनिया जी के परम पूज्य पिताजी बलवान पुनिया जी हमारे बीच में हैं, और उनके भाई। बहुत ही खुशी की बात, हमने इस प्रकार के आयोजन में जो इतना अच्छा सहयोग किया हरेंद्र पुनिया जी का भी, और समस्त खूटन गांव का और क्षेत्र के जो गांव के साथियों ने, और दूर दूर से दर्शक इस आयोजन की शोभा बढ़ाई, तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। अगर कोई जाने अनजाने में गलती हो तो माफ करना। और कुकड़ पहलवान हमारे बहुत ही कुश्ती प्रेमी, और ये हमारे सोनू जी युधिष्ठिर पहलवान सम्मान कर रहे हैं सोनू कोच, और मेरा सम्मान भी कर रहे हैं युधिष्ठिर भाई मोटा कोच का भी। मैं धन्यवाद करता हूँ भाई युधिष्ठिर का, जो आपने इतना मान सम्मान जोगेंद्र पहलवान जी कासड़ी, जो भाई अपने गांव के खाड़े में इसमें बजरंग खाड़े में कोची के भाई जोगेंद्र पहलवान कासड़ी बात खाए, जोगेंद्र पहलवान कासड़ी जो अपने बजरंग खाड़े में अभ्यास करते हैं बच्चों का, उन्हें कासड़ी गांव से है। कुश्ती का आधा समय दिए हुए समय से आधा समय बीत चुका है, आप ये मोबाइल मोबाइल लाइक सारी लाइक चसा दो, कुश्ती लंबी भी चलवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप बैठ के शांति से देखी जाइयो। इस लाइट में थोड़ी सी एक इंच डाउन कर ले, शायद हरा का चुंदा लागे है। जयवीर जी सतल साल स्टेडियम के प्रशिक्षक का कार्य कर रहे हैं हिंद केसरी नरेंद्र पहलवान जी खूटन, उनको सम्मानित कर रहे हैं। कमेटी की तरफ से भी जयवीर कोच साहब का सम्मान कर रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं सभी कोची साहिबानों का, जो आपने इतना समय दिया, और इस और नरेंद्र पहलवान का हिंद केसरी पूरी कमेटी सम्मान करेगी। नानकपाल जी कितना समय हो चुका है कुश्ती में, 5 मिनट का समय बीत चुका है, 10 मिनट का समय शेष है, नहीं जी 5 बकाया है। अच्छा 10 मिनट हो चुकी है दोनों पहलवानों के बीच में, 5 मिनट का शेष,
देखो अंधेरा हो चुका है क्योंकि समय का अभाव था और पहलवानों की संख्या बहुत ज्यादा थी। इसमें देश के जो एक बार दर्शकों तालियां मारते थे पहलवानों जोश आ जा भारत माता की। भाई पहलवानों जोश दिखाएं, अपनी कला का प्रदर्शन करें क्योंकि हमारे दर्शक आपकी कुश्ती को आर पार देखना चाहते हैं। एक तरफ है भोला पहलवान काशनी और दूसरी तरफ है अजय गुजर लखुवास। बहुत अच्छा बुल्ट मोटरसाइकिल की जो कीमत आपने सबने पता है, ये बुल्ट मोटरसाइकिल का मुकाबला मारो तालियां एक बार जोरदार तालियां। बहुत अच्छा मुकाबला, बहुत ही ऐतिहासिक कुश्ती क्योंकि देश के दो महाबलियों के बीच में टक्कर है ये। आज ऐतिहासिक दिन है, मस्तू पहलवान जी ने जो इतना बड़ा आयोजन किया, नरेंद्र पहलवान हिंद केसरी का कमेटी के सभी साथी स्वागत कर रहे हैं। सदर कोच मंदोला जी का भी पगड़ी बांध कर सम्मान कर रहे हैं। हमारे सदर कोच साहब का हम तहे दिल से शुक्रगुजार करेंगे जो आपकी एक निर्णायक कमेटी में आपका हमेशा सिलेक्शन कमेटी में बहुत बड़ा सहयोग रहता है। हरियाणा प्रदेश में कोई भी तंगल हो सदर कोच मंदोला जी का हम शुक्रगुजार हैं जो आपने इतनी अच्छी व्यवस्था, उसके साथ साथ जोगिंदर पहलवान जी कलानौर और हमारे अंतर्राष्ट्रीय सर्विसेज मेडलिस्ट नानक पाल कोच नारनौल जी हमारे बीच में, क्योंकि मस्तू पहलवान ने बिल्कुल निर्णायक दंगल कराने का कार्य किया है। पहली बार इतना अच्छा आयोजन, दूसरा विशाल दंगल, सभी ग्रामवासियों का, क्षेत्रवासियों का, समाज सेवी संस्थाओं का, दानवीर साथियों का, बड़े ही शांति से जैसे ही दंगल खत्म हो आपका रास्ता बड़ा ही अच्छा, क्योंकि दूर दूर तक हमारे खिलाड़ी आए हैं, सभी ने बड़ा अच्छा सहयोग किया, धन्यवाद करते हैं हम बजरंग पूनिया व्यायामशाला की ऐतिहासिक भूमि पर, और धन्यवाद करते हैं हम मस्तू पहलवान और पवन पहलवान का जो अपने कई दिनों से मेहनत करके इस आयोजन को सफल बनाया। भाई दूर दराज से आए हुए पहलवानों के लिए पहलवान मिंटू और पहलवान परवीन जो इस अखाड़ा के संचालक हैं उनकी तरफ से ऐसा संदेश मिला है, किसी भी साथी को पहलवान को दूर जाने में दिक्कत ना होनी चाहिए, यहाँ रुकने का भोजन की बहुत बढ़िया व्यवस्था है, बाहर से आए हुए पहलवान रात को रुक सकते हैं। इन दोनों जो अखाड़ा संचालक हैं प्रवीण पहलवान और मिंटू पहलवान, उनकी तरफ से ये पहलवानों को संदेश है। और इसी कड़ी में एक पहलवानों के लिए शुभ सूचना भाई, कल 4 फरवरी को हलालपुर गांव में वजनों की कुश्ती है मैच पे 86 केजी के, 74 केजी के और 60 केजी के पहलवानों के बीच में और महिला पहलवानों के बीच में भी वहां मुकाबला है स्वर्गीय धर्मवीर पहलवान जी की याद में। ओलंपियन 4 फरवरी को उनके जन्म दिवस के उपलक्ष में सोमवीर दैया जी इंस्पेक्टर हरियाणा पुलिस आयोजक साथी है वहां, सभी पहलवानों और दर्शकों के लिए खुशखबरी है ये, मैच पे कुश्ती अगर किसी लड़ ली हो तो वहां पे पहलवान अपना वजन देंगे, सुबह 8 बजे से 10 बजे तक वजन होगा। कुश्ती का 3 मिनट समय बकाया है भाई, 3 मिनट पहलवान ध्यान से सुन ले, 12 मिनट का समय बीत चुका है क्योंकि देश के दोनों ही नामी पहलवानों के बीच में मुकाबला। उसके साथ साथ मैं सबसे बड़ी तारीफ करूंगा हमारे दर्शकों की, क्योंकि जिस खेल में दर्शक नहीं उस खेल में आनंद नहीं आता, और दर्शकों की हाजिरी इस खेल का गवाह है। अब बहुत ही
ऐतिहासिक दंगल होने को जा रहा है संपन्न, सिर्फ 3 मिनट का शेष। धन्यवाद करते हैं हम सभी दर्शकों का, धन्यवाद करते हैं खूटन गांव की सरदारी का, धन्यवाद करते हैं क्षेत्र का भाई विकास पहलवान, राकेश पहलवान से मिले विकास पहलवान स्टेज के पास, मांडोठी राकेश पहलवान मांडोठी से मिले, बड़े ही ऐतिहासिक कार्य है ये। दोनों पहलवान बड़ा मुकाबला फंस गया भाई, जो कौड़े निकम डाले आज गुजर लाखूवास गांव, बहुत ही उभरता हुआ देश का सितार खिलाड़ी है, जो जस्सा पट्टी के साथ भी कई बार कुश्ती हो चुकी, और भोला पहलवान भी अब करंट में जो 92 केजी में सीनियर नेशनल प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल देश के लिए दिया है, और खुटन गांव की जो ऐतिहासिक भूमि बख्तार पहलवान जी, लीला पहलवान जी, वजीर पहलवान जी, हेलो नरेंद्र पहलवान, 2100 रुपए नरेंद्र दलाल जी भाई, स्टोन क्रेशर से भाई अपने भाई पापा भोला दास अकेडमी के सभी पहलवान गाड़ी के पास पहुंच जाए, और सोनी कोच के जो पहलवान है बबरे पहलवान जी खुटन, बहुत ही ऐतिहासिक नाम है अजीत प्रधान जी, और युधिष्ठिर पहलवान ने और बबरे चेयरमैन जी ने 11,000 रुपए का सहयोग किया है। बहुत ही 1 मिनट का समय शेष है मानपाल जी, 1 मिनट का है जी, 1 मिनट का शेष। दर्शकों एक बार भारत माता की जय, जवान जय जवान, सभी का धन्यवाद। लेकिन भाई टाइम आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आप बैठ के देखना चाहोगे तो कोई दिक्कत नहीं आओगी, टाइम बढ़ाएंगे। बहुत अच्छा मुकाबला, खुडन गांव और आसपास के दूर दराज से जितने दर्शक आए हैं आप बधाई के पात्र हैं कि इतने लेट तक दंगल चल रहा है और आप शांति से बैठ के देख रहे हैं, आप बहुत बधाई के पात्र हैं। कुश्ती का छोड़ दो भाई, दिया हुआ समय 15 मिनट समाप्त हो गया, अगर आप ठीक समझते हो तो कुश्ती का टाइम बढ़ा दे। अमित घोषणा सचिन कोच साहब बुला रहे हैं भाई, 5 मिनट कुश्ती का टाइम और बढ़ा दिया कमेटी के लिए भाई, दर्शक चल पड़े पहलवान जी, कोई मजा नहीं, अब तो बराबर भी कर दो भाई। रामचंद्र सुबाना जी भाई, दोनों पहलवान की बराबर,